गोवर्धन में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के कारण लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यूं तो प्रशासन ने गोवर्धन के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण करा दिया है, लेकिन चारों तरफ के रिंग रोडों पर रिंग रोड से मेन रोड के बीच छूटे मात्र कुछ एक मीटर के गड्ढों तक को नहीं भरवा पाया, जिसका खामियाजा आए दिन यात्री परदेशियों को भुगतना पड़ता है। हाल ही में बरसात के कारण बरसाना रोड पर बाईपास और मुख्य रोड के बीच बने गड्ढे में रोहतक हरियाणा से आए हुए श्रद्धालुओं की बस फंस गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद भी नहीं निकाला जा सका। पूरी रात श्रद्धालु परेशान रहे। स्थानीय समाज सेवी गौतम खंडेलवाल ने इस मुश्किल घड़ी में श्रद्धालुओं के भोजन पानी और ठहरने की व्यवस्था में सहयोग कराया, साथ ही सुबह यात्रियों की बस को सुरक्षित गड्ढे में से निकलवाया। लेकिन इस बीच प्रशासन का कोई भी व्यक्ति समस्या से जूझ रहे श्रद्धालुओं की मदद के लिए मौके पर नहीं मौजूद रहा। श्रद्धालु पूरी रात प्रशासन को कोसते रहे। देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी मुख्य रोड और रिंग रोड के बीच बने इन छोटे छोटे गड्ढों को भरवा कर मरम्मत करवा पाता है, या ऐसे ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करते रहना पड़ेगा और परेशान श्रद्धालु ऐसे ही प्रशासन को कोसते रहेंगे। सर कहाँ से आए? हम रोहतक से आए, हरियाणा रोहतक। रोहतक से आए तो यहाँ पे कैसे खड़े हुए हैं? काफ़ी देर आपको हो गई है खड़े खड़े। हम अभी बरसाना जाने के लिए आए थे जी, और जैसे ही इधर आए यहाँ हमारी गाड़ी फंस गई है जी। गड्ढा इतना गहरा है ये जी, प्रशासन ठीक करवाना चाहिए वैसे तो। बाकी काफ़ी देर से खड़े हैं। कितने लोग हैं करीब आप यहाँ पे बस में? हम लगभग 64 आदमी हैं। 65 आदमी हैं। पूरी की पूरी बस फंस गई है। 52 सवारी है जी। जी जी। और बाकी गाड़ी हमारी जी। पूरे हम 64-65 लोग हैं।